Nest School System, online classes session. Dear student, let's start today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your first lecture, ORT. The story name is House for Sale. First, I tell you the characters of the story. He is dad, she is mom. ये उनके father हैं, ये उनकी mother हैं, माँ हैं. He is keeper, he is chip, she is beef, it is floppy. ये जो characters हैं ये क्या कर रहे हैं, ये इस घर को खरीदना चाह रहे हैं, कोई इस घर को बेच रहा है, सेल कर रहा है, सेल मीन बेचना. तो अब ये जो क्रैक्टर्स हैं ये सारे इस घर को ख़रीदना चाह रहे हैं और इस घर को आते हैं, इस घर के अंदर में सब कुछ देखते हैं कि इनको घर पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा. जैसे ये उसके डैड है, माम है, बीफ है, चिप है और कीपर है, इस घर को देखना चाह रहे हैं कि देखने के बाद इनको घर ये पसंद आता है कि नहीं आता. अगर घर इनको पसंद आ जाएगा तो इस घर को ये ख़रीद लेंगे. तो ये हैं स्टोरी के क्रैक्टर्स. अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं. ओपन योर बुक्स एंड स्टार्ट योर रीडिंग. अच्छा वन क्लास, ये देखें, ये हाउस है, ये घर है जो कि सेल होने के लिए उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है. और अब ये फैमिली जो है उसको खरीदने के लिए आई है और वो क्या कह रही है, क्या कर रही है, आइए अब हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं. दिस हाउस वॉज फॉर सेल. डैड लाइक द हाउस. Mom liked it too. Biff and Chip looked at the house. Everyone liked it. Keeper pulled the wallpaper. अच्छा वन क्लास, अब हम दोबारा से रीडिंग करेंगे ट्रांसलेशन के साथ. This house was for sale. ये जो घर है जो बिक रहा है, जो बेच रहे हैं वो, ठीक है. दिस मीन ये, हाउस मीन घर, सेल मीन बेचना, वॉज मीन था और थी के लिए यूज़ होता है, ठीक है. डैड लाइक द हाउस. डैड को भी ना ये घर पसंद आ जाता है, ठीक है. अब मम की तरफ आते हैं. मम लाइक इट टू. मम को भी ये घर पसंद आ जाता है. Biff and Chip looked at the house. Biff और जो Chip है ना वो अपने घर की तरफ घर को देखते हैं. Everyone liked it. सबको, जो जितने भी लोग यहाँ आए ना सबको ये घर पसंद आ जाता है. Keeper pulled the wallpaper. जैसा कि पीछे आपने देखा है जो keeper है जो दीवार के ऊपर wallpaper लगा हुआ है वो उसको खींचता है. पुल्ड मीन होता है खींचना. पुल्ड मीन खींचना. वॉलपेपर जो दीवार पे हम पेपर लगाते हैं. लाइक मीन पसंद करना. हाउस मीन घर. अब देखिए जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ये कीपर है और ये जो दीवार के ऊपर वॉल के ऊपर पेपर लगा हुआ है वॉलपेपर वो उसको खींच रहे हैं, आपको नज़र आ रखने के. और साथ ही देखें ये कौन है, चिप एंड बिफ, ये दोनों क्या कर रहे हैं, घर को देख रहे हैं, ठीक है. देखते हैं कि जो पसंद जो करने आए तो हर चीज़ को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं. तो लुक मीन देखना, हाउस मीन घर, एवरीवन हर कोई या सबको, लाइक मीन पसंद करना, पुल्ड मीन खींचना, वॉलपेपर मीन दीवार पर जो पेपर लगा होता है. ये तो था हमारा आज का लेक्चर रीडिंग. अब हम कॉपी की तरफ आते हैं. अच्छा जी वन क्लास देखें, ये पेज मैंने रेडी किया हुआ है. ORT का पेज है, हाउस फॉर सेल, स्टोरी नेम. इसमें क्या क्या वैरायटी है, डिक्टेशन वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड सेंटेंसेस एंड मिसिंग लेटर, ठीक है. ये तमाम जो वैरायटी है ये इस स्टोरी में दी जाएगी और जो कि आपने कॉपी के ऊपर लिखनी है, ठीक है, नीटली बहुत अच्छी तरह से आपने इसको लिखना है.
नीट राइटिंग करनी है, नीट नीट लिखना है, मार्जिन लाइन आपकी नीट होनी चाहिए, डेट एंड डे भी नीट होनी चाहिए। और कैसे कैसे लिखना है पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा फिर रिपीट कर देती हूँ कैसे लिखना है। हाँ जी, ये देखेंगे आपका पेज, आपके सामने पेज आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले आप मार्जिन लाइन लगाएंगे, इसके बाद डेट एंड डे है। डेट एंड डे जो ये नहीं लिखनी, जो आपको डायरी जाएगी ना, जब आपको डायरी में जो डेट होगी आपने वो डेट यहाँ मेंशन करनी है। टॉप लाइन में फर्स्ट लाइन पे आप हेडिंग देंगे कलर से, डेट एंड डे आपने पेंसिल से लिखनी है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। डिक्टेशन वर्ड लिखा हुआ है ये इसकी हेडिंग है, ये आपने कलर पेंसिल से लिखने हैं। इसके बाद डिक्टेशन की जो हेडिंग है काउंटिंग 1 to 7, ये भी आपने कलर से लिखना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा हाउस, हाउस हाउस मीन घर, सेल सेल मीन बेचना, लाइक मीन पसंद करना, लुक देखना, एवरीवन एवरीवन मीन हर कोई या सबको, पुल्ड मीन खींचना, वॉलपेपर जो दीवार पे लगाने लगाने वाला जो पेपर होता है, कागज़ होता है, उसको वॉलपेपर कहते हैं। ये थी हमारी डिक्टेशन वर्ड। नेक्स्ट पेज पे हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। अच्छा जी, वन क्लास देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आंसर का पेज रेडी है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन आपने स्किप करनी है, छोड़नी है, इस पर कुछ नहीं लिखना। उसके बाद आपने हेडिंग कलर से देनी है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है। आप जो क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर लिखेंगे आपने लेड पेंसिल से लिखना है। क्वेश्चन नंबर वन क्या है, व्हाट वॉज फॉर सेल, किस क्या सेल हो रहा था। सेल मीन बेचना, व्हाट मीन क्या, वॉज मीन था, क्या सेल हो रहा था, हाउस। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हु लाइक द हाउस, घर को कौन पसंद करता है। लाइक मीन पसंद करना, हाउस मीन घर, हु मीन कौन, मतलब कौन कौन कर रहा है पसंद, माम कर रहे हैं, डैड कर रहे हैं, बी फ्रेंड चिप कर रहे हैं, तो आपने इसके बारे में लिखना है कौन पसंद कर रहा है। डैड लाइक द हाउस, मम लाइक द हाउस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट डिड कीपर पुल, पुल मीन खींचना, व्हाट मीन क्या, कौन खींच रहा है, यानी कि क्या खींच रहा था, और व्हाट डिड कीपर पुल, कीपर जो था वो क्या खींच रहा था। यह आपने स्टोरी में देखा है, आपको समझ आ गई होगी कि आपने क्या देखा, क्या खींच रहा है, वॉलपेपर, जो दीवार के ऊपर पेपर लगा हुआ है वो कीपर उसको खींच रहा है। हाँ जी, ये था आज का लेक्चर, इसको आपने सुना, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आपने इसको ऐसे ही कॉपी के ऊपर लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है, नीट एंड क्लीन लिखना है, मामा की हेल्प लेनी है, मामा के पास बैठ के करना है, और तंग नहीं करना कि नहीं नहीं मैंने अभी ये काम नहीं करना है। जब जैसे ही आप ये लेक्चर सुनेंगे वैसे अपने मामा के पास बैठ के आपने इसको नीट वर्क में, नीट राइटिंग में अच्छी तरह से लिखना है, और बहुत खूबसूरत राइटिंग में करना है। जब आपकी कॉपीज हमारे पास आएंगी तो हम, अगर हमें आपका काम पसंद आएगा क्लास पर जो आपने लिखा होगा, तो हम आपको स्टार देंगे, ठीक है, गुड देंगे। इसलिए आपने ये, आपने बहुत काम अच्छा करना है। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर फिनिश हुआ, नए लेक्चर से दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। A message from teacher, please read carefully. Dear students, please note your dairy work. Thanks for watching. Take care.